नमस्कार, मैं देव। आप इस समय देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक भारती जी, जो कि एक प्रबुद्ध और प्रसिद्ध जो एक्टिविस्ट हैं और तमाम तरह के जो दलित बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने का लगातार काम कर रहे हैं। दोस्तों, अशोक जी, क्या लग रहा है, लॉकडाउन में एक बड़ी साजिश हो रही है दलितों के ऊपर, बहुजनों के ऊपर? जिस तरीके से लगातार देश में अफरा तफरी का माहौल है, दिल्ली से लेकर बिहार उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं सड़कों पर हैं। नहीं, मुझे देखिए, मैं हर चीज में साजिश देखना तो कोई बहुत ही बुद्धिमानी की बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में जो स्थिति है वो काफी खराब है। अगर आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा, अगर मैं आपकी बात को मान भी लूं कि दलित बहुजनों के साथ कोई साजिश कर रहा है, तो मुझे बताइए, पूरी दुनिया के 50% देश ऐसे हैं जिसमें लॉकडाउन की स्थिति हो गई है, लॉकडाउन हो गया है। कुछ लोगों ने प्लान लॉकडाउन किया है। हाँ, हमारे यहाँ ये जरूर हुआ है कि हमारे यहाँ जो लॉकडाउन जिस तरह से प्लान होना चाहिए था, वो हमारे नहीं यहाँ हो पाया। लॉकडाउन प्लान नहीं हुआ बल्कि अनप्लान हुआ है। और ये मुझे लगता है कि भारत सरकार के चरित्र में है कि सब चीजें अनप्लान करते हैं, फिर बाद में जो कोई सर फोड़े, कोई कुछ करे, तब फिर उसको प्लान करते हैं। तबलीकी जमात को किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से निजामुद्दीन मरकज में ये वाकया हुआ है? लोग कह रहे हैं, तमाम नेशनल मीडिया कह रही है कि ये एक जमाती वायरस है, ये एक जो है जिस तरह से नाम दिया जा रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कुछ लोग तो हर चीज में जो है हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, क्योंकि उनकी जैसी वाले कहावत है। अब मुझे ये बताइए, चाइना में तो ये तबलीगी जमात वाले नहीं थे, अमेरिका में तो तबलीगी जमात वाले नहीं है, और मैं देख रहा हूं कि ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बड़ा चाकर बताया जा रहा है। हालांकि ये बात भी सही है कि तबलीगी जमात का जो मरकज था, जो मरकज जो सेंटर है उनका, वहां पर एक कॉन्ग्रिगेशन हुआ जिनको कोरोना वायरस से अफेक्टेड थे, और उससे स्थिति गंभीर हुई है। लेकिन इसको इस नजरिए से देखना कि वो लोग डेलिबरेटली कुछ कर रहे थे या मुसलमान कुछ कर रहे हैं, मुझे लगता है ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा बात हो जाती है, और मैं इस बात से सहमत नहीं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि कुछ तबलीगी जमात को लेके कुछ लोगों ने गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी भी की है। ऐसे वक्त में जब देश पूरा संकट से गुजर रहा है, पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है, तो ऐसे गैर जिम्मेदार बयानों से बचना चाहिए। गद्दार बताया जा रहा है। जो लोग वहां पर मौजूद थे, 1800 लोग जो मौजूद थे तबलीगी जमात के जो लोग थे, उन्हें गद्दार बताया जा रहा है। आप कहां तक सहमत हैं भारती साहब? देखिए, मुझे लगता है अगर आप किसी वायरस से पीड़ित व्यक्ति को गद्दार कहेंगे, तो इसमें हिंदू भी वायरस से पीड़ित हैं, मुस्लिम भी वायरस से पीड़ित हैं, ब्राह्मण भी वायरस से पीड़ित हैं, शायद दलित भी वायरस से पीड़ित हैं, तो क्या पूरा देश गद्दार हो गया? हमको इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। और जो लोग इस नजरिए से देखना चाहते हैं, मेरी उनसे गुजारिश ये है कि देश और दुनिया में बड़ा संकट है, और आपस में मिलजुल कर रहें और संकट पैदा ना करें। दूसरा बड़ा सवाल है सर, दिल्ली में जो मजदूर वर्ग थे, जो डेली वेजेस वाले लोग थे, जो डेली कमाओ खाने वाले लोग थे, वो लोग बुरी तरह से यहाँ पर फंसे पड़े थे। अब वो लोग धीरे धीरे चलते चलते बिहार, यूपी, लखनऊ को जा रहे हैं, उन्हें कोई बस मुहैया नहीं कराया गया, अनप्लान्ड है ये मानता हूं। लेकिन वहीं जब हरिद्वार में गुजरात के 2,200 लोग फंसे हुए थे, उनको बस सुविधाएं दी जा रही हैं रूपानी के द्वारा और अमित शाह के द्वारा, क्या ये न्याय संगत है क्या, मैं आपसे पूछता हूं। देखिए, ये तो एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कि किसी राज्य के लोग अपने राज्य के लोगों की परवाह किस लेवल तक करते हैं। होम मिनिस्टर चूंकि गुजरात के हैं, रूपाणी जी वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, ये तो उत्तर प्रदेश के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, पश्चिम बंगाल के उन चीफ मिनिस्टर को सीख लेनी चाहिए कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर किस हद तक गए अपने नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए। तो क्या नीतीश कुमार जी को किसी ने मना कर दिया था, या योगी जी को किसी ने मना कर दिया? तो हमें यह समझना चाहिए कि जो राज्य अपने नागरिकों के प्रति इतना कमिटेड है, उसकी तो हमें तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने अपने फंसे हुए लोगों को निकाला,
उसमें बजाय इसके ही कोई निकाले, और मुझे लगता है कि इस बात से उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सबक लेना चाहिए। जैसे मेरे पास 2 दिन पहले खबर आई कि मध्य प्रदेश की आदिवासी जाति है कोल, उसके बहुत सारे लोग गांधीधाम में फंसे पड़े हैं। वो सूचना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी है, तो वहां के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो शिवराज चौहान जी मध्य प्रदेश के जो आदिवासी गुजरात में फंसे हुए हैं उनको निकालने के क्यों प्रयास नहीं करते? तो मुझे लगता है कि अगर कोई स्टेट का मुख्यमंत्री केंद्रीय सरकार की सहायता से अगर अपने लोगों को अपने राज्य में सुरक्षित ला रहा है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए और उसकी आलोचना होनी चाहिए जो अपने राज्य के नागरिकों को भगवान के भरोसे छोड़ दे रहा है, भाग्य के भरोसे छोड़ दे रहा है, उनको उनके हालात पे छोड़ दे रहा है। ऐसे मुख्यमंत्रियों की कड़ी आलोचना होनी चाहिए और उनके खिलाफ लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। पीएम केयर फंड का क्या मामला है? लगातार जो पहले पीएम राहत कोष की व्यवस्था थी उस पर आप फंडिंग नहीं कर पा रहे प्रधानमंत्री, नया ट्रस्ट बनाया गया, खुद प्रेसिडेंट हैं, वित्त मंत्री मौजूद हैं, गृह मंत्री मौजूद हैं, नहीं है, क्या ये तरीका क्या है? क्या उसमें जो 3800 करोड़ रुपए हैं क्या वो देश की जनता पे खर्च नहीं होना चाहिए क्या? नहीं, मुझे लगता है कि चाहे वो प्रधानमंत्री राहत कोष हो चाहे पीएम केयर फंड जो बना हो, उसका सारा का सारा पैसा खर्च होगा। जिस तरह की इमरजेंसी हमारे देश में है, अब मुझे तो पता नहीं कि पीएम साहब ने इस बात को बनाया, लेकिन मैं जो देख पाता हूँ, मैं ये देख पाता हूँ कि कोरोना इतना बड़ा संकट है, उसके लिए एक विशेष प्रयास करने की जरूरत है और शायद इसी बात को नजर रख के सरकार ने पीएम केयर फंड बनाया होगा। लेकिन चूंकि सरकार उस पर स्पष्टीकरण नहीं दे पा रही है या उसको बहुत अच्छी तरीके से नहीं बता पा रही है, इसलिए इसको लेके जो लोगों में स्वाभाविक तौर पर जो कुछ कहते हैं उसको कि थोड़ी सी जो लोगों को संशय है वो लोगों का संशय भी वाजिब है क्योंकि हर चीज के लिए हम नया फंड नहीं बना सकते। जो प्रधानमंत्री कल्याण कोष है, प्रधानमंत्री राहत कोष है, उसी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने एक नया राहत कोष बनाया है तो जब तक उसके कोई सबूत हमारे पास नहीं आते, हमें उसके ऊपर शक करने का कोई आधार हमारे पास नहीं है। कैग के रिपोर्ट में तो नहीं है ना, कैग के अधीन तो नहीं है ना? नहीं, देखिए क्या होता है कि ये जो इमरजेंसी वाले फंड होते हैं ये भी जो है ये कैग के उससे बाहर होते हैं क्योंकि इमरजेंसी में इस्तेमाल होते हैं, जहां तक मेरी समझ ऐसी है, और ये पब्लिक अकाउंट कमेटी में आता है। देखते हैं अभी क्या होता है। और कहीं मुझे लगता है कि जिन लोगों को इस फंड के खर्च करने के बारे में थोड़ी चिंता है उनको सरकार से मांग करनी चाहिए कि सरकार इस फंड का यूटिलाइजेशन जो है कैग के थ्रू उसका ऑडिट करवाए और ट्रांसपेरेंसी भी रखे। अब कैग अगर ऑडिट करता है तो ट्रांसपेरेंसी आ ही जाती है। दूसरा बड़ा सवाल है सर तीसरा, कि 30 जनवरी को पहली केस हिंदुस्तान में देखा गया, भारत में देखा गया, तो इतना लेट हो गया सजगता होने में सरकार को? मामले तो बढ़ गए, पहले लॉकडाउन कर लिए होते या फिर मध्य प्रदेश में सरकार बना रहे थे या ज्योतिरादित्य को बीजेपी में शामिल कर रहे थे, इस वजह से लेट हो गई क्या? देखिए मुझे लगता है कि सरकार को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि ये मामला इतना गंभीर है। हमारे यहाँ तो वो आपको याद होगा कि एक गिल साहब हुआ करते थे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते थे कॉमनवेल्थ के दौरान, आपको याद होगा उनका एक बयान था कि अरे हमारे यहाँ तो शादी की तैयारी तब तक चलती रहती है जब तक ये दूल्हा दरवाजे पे नहीं आ जाता है। तो माइंडसेट तो हमारे देश की राजनीतिक लीडरशिप का वही है कि जब तक बारात दरवाजे पे ना पहुंच जाए तब तक हम कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। अब कोरोना की बारात हमारे दरवाजे पर आ गई है तो अब सरकार को लॉकडाउन भी करना पड़ रहा है, कर्फ्यू भी लगाना पड़ रहा है। जब तक कोरोना की बारात नहीं आई थी तब तक सरकार को लग रहा था अभी तो हम तैयारी कर लेंगे, पर मुझे लगता है कि ओवरऑल दुनिया के सामने हमने ये बात दिखाया है कि हम कोरोना को लेके बहुत गंभीर नहीं थे, और जब हम गंभीर हुए तो इतने गंभीर हुए कि हमने बिना आगे पीछे देखे हुए जो है लॉकडाउन कर दिया और उसके जो निगेटिव प्रभाव है उनको भी भुगत रहे हैं हम धीरे धीरे। सबसे ज्यादा गरीब मजदूर हैं सर, 20 लोगों से ज्यादा लोगों की हत्या हो गई जी। नहीं, मैंने तो देखिए कुछ बोलिए,
जब प्रधानमंत्री जी का पहला बयान आया था तो उसके बाद ही अफरा तफरी शुरू हो गई थी, तो मैंने प्रधानमंत्री जी को भी टैग करके एक ट्वीट किया था कि आपने जो ये बयान दिया है, आपने जो देश की जनता को संबोधित किया है, आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसके निहितार्थ ये हैं कि बहुत सारे लोग घबरा गए हैं और घबराकर अपना लोग घर छोड़कर अब भाग रहे हैं, अपने घर की तरफ भाग रहे हैं, काम धंधा छोड़ के घर की तरफ भाग रहे हैं और इससे बड़ी स्थिति खराब हो गई है। तो उसके आधे पौने घंटे बाद प्रधानमंत्री जी ने एक एश्योर करते हुए ट्वीट किया, लेकिन कार्रवाई जो है उस पर अभी करना बाकी था। फिर जब 24 तारीख को लॉकडाउन हो गया, अब देखिए मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया, 24 तारीख को डिक्लेयर किया उन्होंने भी, लेकिन वो 26 तारीख से लॉकडाउन करेंगे। तो उन्होंने 3 दिन दिए जिससे कि जिसको जहां जाना है, जैसे जाना है, वैसे जाना है, वहां पर प्लान कर लें। अगर मान लीजिए देश के एक कोने से दूसरे कोने में जाने वाले लोगों को कोरोना भी था, अगर वो अपने घर पहुंच जाते थे तो वहां उनको लॉकडाउन में करके उनका उपचार करना आसान था। ट्रांजिट में लोगों का आप उपचार नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ तो जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ संकट के साथ जैसे जैसे संकट बढ़ेगा वैसे वैसे हम सीखते हैं। हम जो संकट आ गया उससे नहीं सीखते, हम संकट को रोके कैसे इससे नहीं सीखते, संकट से हम कैसे सीखते। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस तरह की प्रवृत्तियों से बचना चाहिए और मेरा हाथ जोड़ के सबसे गुजारिश है कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें, अपनी रक्षा करें और घर से कम निकलें। और ये बाबा साहब अम्बेडकर का महीना है, उस दौरान हम बाबा साहब के साहित्य को पढ़ लें, डॉक्टर अम्बेडकर के साहित्य को पढ़ लें, संत साहित्य पढ़ लें। आप जिस भी व्यक्ति को महान मानते हैं, जिस भी महिला को आप महान मानते हैं, उसकी लिखी हुई बातों को पढ़ लें, लिख लें, समझ लें और एक प्रबुद्ध देश बनाएं। डॉक्टर अंबेडकर तो नहीं कहते कि घर के आगे दिया जलाइए, कोरोना भगाइए, क्या ये उपचार है, क्या व्यवस्था है, क्या? देखिए क्या होता है कि अगर राजनीति वाले लोग राजनीति नहीं करेंगे तो राजनीति मीडिया वाले थोड़ी करेंगे, और अगर देश के प्रधानमंत्री सब लोगों से मोमबत्ती जलवाना चाहते हैं, दिया जलवाना चाहते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि इससे कोरोना भाग जाएगा, उन्होंने कहा पूरे देश को एकजुटता दिखानी है। और मुझे लगता है कि कोई राजनीतिक व्यक्ति जब देश की एकजुटता दिखाने की बात करता है तो उसके निहितार्थ हमको समझने चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू।